देखिए, हमारा मटन कीमा करी जिसको हम कोफ्ता ही बोलते हैं वो बन के तैयार है। तो अभी हम इसको टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा बना है ये। ये देखिए, थोड़ी सी ग्रेवी ले लेता हूँ मैं पहले। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ मटन कीमा करी। लास्ट टाइम भी मैंने बनाई थी, बट लास्ट टाइम जो थी वो आलू बुखारा वाली कीमा करी थी। तो आपको वो आई सेक्शन पे ऊपर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर भी दे सकते हैं। अभी नहीं, पहले आप ये वाली वीडियो देख लीजिए एक बारी, उसके बाद आप वो वाली वीडियो भी गो थ्रू कीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं किचन में और आपको हम दिखाते हैं मटन कीमा करी कैसे बनती है। तो आ जाइए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है मटन कीमा ले लिया 1 किलो। अभी सबसे पहले इसमें मैं गार्लिक ऐड करने वाला हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच यहाँ पे गार्लिक आपने ऐड कर दिया, सिर्फ गार्लिक है, ठीक है। जिंजर मैंने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया है। 1 चम्मच यहाँ पे गार्लिक डाल रहा हूँ मैं। ये मैंने इसमें ना 3 बड़ी इलायची ले ली क्रश करके, ये इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो है इसमें सौंफ पाउडर के हैं, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर। ये देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा, ये देखिए। और 1/2 चम्मच इसमें नमक है। नमक इसलिए 1/2 चम्मच है क्योंकि अभी हमको बनाने के टाइम पे भी नमक ऐड करना है, इसलिए नमक यहाँ पे 1/2 चम्मच ऐड किया मैंने मिक्स के लिए। ये देखिए, सारा डाल देंगे इसमें। अभी अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँगा। ये देखिए, अच्छे से आपको उसको मिक्स कर देना है। ये देखिए दोस्तों, आप इसमें डालने जा रहे हैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये देखिए, इसे क्या है, थोड़ा सा ना टेस्ट में एनहांस हो जाता है, खुशबू अच्छी आती है, इससे टेस्ट थोड़ा सा इसका और बढ़ जाता है। दोस्तों ये देखिए, आपका जो है मटन कीमा का पेस्ट तैयार है। अब आ रही है इसमें शेप्स देने की। तो दोस्तों ये देखिए, अब इसमें हम शेप बना लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ पानी ले लेते हैं, इससे क्या आपका जो एक कीमा है चिपकता नहीं है। आप ऑयल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको शेप बना लेनी है इसकी। देखिए, और लास्ट में आपको यहाँ से इसको प्रेस कर देना है, सेम इस तरह से भी कर देना है, और ऐसे से आपको इसको शेप दे देनी है इसकी। ये देखिए, अब आपको थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, जितना आपको का थोड़ा सा साइज़ का बड़ा रखना है आप उसको प्रेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर पूरा टोटली डिपेंड है। ये देखिए, इसी तरह से आपको उसको सारे पीसेस बना लेने हैं। ये देखिए, आपका मटन कीमा जो है रेडी है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप है किचन में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पैन लगा लिया है, इसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और अभी इसमें हम डालने जा रहे हैं हींग। दोस्तों बताना चाहूँगा, फ्लेम जो है इस टाइम पे फुल रहेगी। ये देखिए, ऑयल जो हमने पहले से गर्म करके रखा था, अभी थोड़ा सा इसमें हम हिला देंगे। तो दोस्तों, आप आ रही है इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करने की, 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये रहा 2nd टेबल स्पून, ये रहा 3rd टेबल स्पून, और ये रहा हमारा 4th टेबल स्पून। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होती है उसका सिर्फ कलर आता है, तो आप स्पाइसीनेस की टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 4 टेबल स्पून से काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो अभी इसमें हम 2 बड़ी इलायची डालने वाले क्रश करके थी। ये देखिए, अभी आप थोड़ा सा हिला लीजिए इसको, फ्लेम जो है इस टाइम पर फुल रहेगी, याद रखिएगा। इसका जो कच्चापन है वो सारा हटा देना है यहाँ पर। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा आपको पानी ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना है, आपको इंटरवल्स में ऐड करना है, ताकि जो मसाला है जल ना जाए। वापस से बोल रहा हूँ दोस्तों, फ्लेम जो है इसकी फुल पर रहेगी, बीच बीच में आपको करछी हिलाते रहनी है ताकि मसाला आपका जल ना जाए। दोस्तों अब इसमें डालने जा रहे हैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून, याद रखिएगा, टेबल स्पून नहीं, 1 टीस्पून। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, किसी को अगर ज़्यादा पसंद है डालना है तो आप डाल सकते हैं। दोस्तों अब इसमें डालने जा रही हरी इलायची, क्रश करके रखी है, 3 हरी इलायची यूज़ की है, इसमें डाल दीजिए। और अब
हाफ स्टिक आपकी जो है दालचीनी की वो भी जाएगी इसमें। वापस से हिला लीजिए आप इसको। फ्लेम वापस से बोल रहा हूँ दोस्तों, फुल पे ही रहेगी फ्लेम आपकी। तो दोस्तों अब बारी है इसमें पानी ऐड करने की। ये देखिए कलर जो है इसका, ऐसा कलर जब आएगा तब बारी इसमें आपकी पानी ऐड करने की आ जाएगी। एक गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे और एक गिलास और पानी इसमें ऐड कर देंगे। जो ही इसका कलर ऐसा जो आएगा वैसे ही आपको इसमें पानी ऐड कर देना है। ये देखिए दो गिलास में पानी ऐड कर दिया आपने। तो दोस्तों अब बारी इसमें सौंफ पाउडर ऐड करने की। 3 टेबलस्पून आपको सौंफ पाउडर इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए 1 टेबलस्पून डाल दिया, अभी दूसरा टेबलस्पून डालने जा रहे हैं हम। और ये रहा आपका 3rd टेबलस्पून सौंफ पाउडर। आप अच्छे से इसको आप स्टिर कीजिए, मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। अब आ रही है इसमें लौंग ऐड करने की। 2 लौंग आप इसमें ऐड कीजिए। ये देखिए आपको इसको 1 से 2 मिनट तक पहले हिला लेना, अच्छे से स्टिर करना है इसको ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। और एक उबाल का आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों अब इसमें एक उबाल आ गया है, अब इसमें बारी है नमक डालने की। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो ये देखिए उबाल इसमें आ चुका है। अभी बारी है इसमें हमको मटन कीमा के जो हमने पीसेस बनाए थे वो इसमें ऐड कर देंगे हम। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको इसमें पीसेस जो है ऐड कर देने हैं। आप कैसे भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको सारे पीसेस इसमें ऐड कर देने हैं। पीस जो है मटन कीमा के वो इसमें ग्रेवी के अंदर पूरे डिप हो जाने चाहिए। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको सारे के सारे पीसेस इसमें डिप कर देने हैं। अच्छा एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ लोग जो है बताएंगे कि इसमें फ्राई नहीं किया, तो आपके पास 2 इसमें ऑप्शन होते हैं। आप फ्राई के बिना भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसमें बॉईल भी कर सकते हैं इसको कीमा को। दोस्तों बॉईल से मेरा मतलब यहाँ पे था कि जो इसमें हमने मसाला बनाया है इसका उसके अंदर डालना, बॉईल से मेरा मतलब वो था। यहाँ पे आप फ्राई भी कर सकते हैं और आप मसाले के अंदर भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब आ रही है इसमें ढक्कन लगाने की। दोस्तों माफ़ करना मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, इसमें आप आखिरी में तेज़पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 लीव्स आप इसमें तेज़पत्ता के ऐड कीजिए, थोड़ा सा इसमें डिप कीजिए इसको आप। इसमें उबाल आ चुका है, अब इसमें बारी है प्रेशर लगाने की। अच्छा एक और चीज़ दोस्तों कीजिएगा, जब आप इसमें प्रेशर लगाएंगे तो आपको 2 से 3 विसल्स का वेट करना है। उसके बाद आपको इसको सिम पे कर देना है 1 से 2 मिनट तक। फ्लेम जो आपकी सिम पे रहेगी उस टाइम पे 1 से 2 मिनट तक आप और पकाइएगा, जब आपके 3 विसल निकल जाएंगे उसके बाद। और फिर आप इसको कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसे ही रखिएगा इसको, अपने आप डीप्रेशराइज होने दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बन के तैयार है हमारा मटन कीमा। ये देखिए हमने इसको ढक्कन खोल दिया है, इससे पहले हमने इसको सिम पे रखा था, डीप्रेशराइज ये अपने आप हुआ है। ये देखिए होममेड आपका मटन करी, मटन कीमा करी। ये देखिए आप, आपको एक पीस दिखाता हूँ मैं ऊपर करके। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसको बाउल में एक शिफ्ट करके, और उसके बाद आपको मैं बताऊँगा ये कैसा बना है। ये देख लीजिए, ये देखिए कलर देख लीजिए दोस्तों, आप देख रहे हैं आप कलर कितना प्यारा आया इसका। तो दोस्तों ये देखिए बन के तैयार है हमारा मटन कीमा। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं और आपको बताऊँगा मैं कैसा बना है, तो आ जाइए। देखिए हमारा मटन कीमा करी जिसको हम कोफ्ता ही बोलते हैं वो बन के तैयार है। अभी हम इसको टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा बना है। ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी ले लेता हूँ मैं पहले, थोड़ी सी और ग्रेवी ले लेते हैं। ये देख लीजिए आप कलर क्या है इसका, ये देख लीजिए बिल्कुल स्पाइसी नहीं होगा ये आई एम श्योर, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली पाउडर जब डालते हैं उसका सिर्फ कलर होता है, स्पाइसीनेस नहीं होता है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सैलड भी ले लिया है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। ये देखिए अभी मुझे पता नहीं कैसा बना है, बट टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। एक बाइट ले लेता हूँ पहले मैं। ओवरऑल सब सही है, सिर्फ नमक कमी की वजह से थोड़ा सा स्पाइसीनेस बढ़ गया इसका। थोड़ा सैलड ले लेते हैं, टेस्ट देख लेते हैं कैसा है इसके साथ भी। दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि ये वाला सैलड मैंने कैसे बनाया है
एक तरह से चटनी ही बोलते हैं इसको, गन चटनी कश्मीरी में बोलते हैं हम, गन चटनी यानी कि प्याज की चटनी। ऊपर आपको आई सेक्शन में ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये वाली वीडियो। और एक और चीज़ स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था, मैंने लास्ट टाइम एक और वीडियो बनाई थी आलू बुखारा वाली, उसके पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है इसका। टेस्ट बैलेंस कर रहा है क्योंकि इसमें नमक वगैरह ऐड किया, ये टेस्ट को बैलेंस कर रहा है। भाई बहुत टेस्टी बना है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, एंड मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसी बनी है रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना मेरी वीडियो पे। और गाइस जितने भी लोग आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो, विजिट किया मेरी बार मेरी चैनल पे पहली बार, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हम यूट्यूबर्स को। तो चलो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, मिलता हूँ मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।